गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम, या आप कह सकते हैं एनी नेम इज अ नाउन, या एवरीथिंग इज अ नाउन, या आप बोल सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या आप बोल सकते हैं नाउन इज अ एनीथिंग, या द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन, वह शब्द जो आधारित है नाम पर दुनिया की सारी चीज क्या है? नाउन। या आप बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो मैं आपको इजी वे में बता दूं कि जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम ना दुनिया सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू रेफर अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो मैंने क्या बोला कि भैया जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम ना दुनिया सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो आई वी यू ही सी इट एंड दे दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में सब चीज का नाम है, इसलिए दुनिया की सारी चीज नाउन है, लेकिन जिसका नाम ना हो वो क्या है? प्रोनाउन है। तो आई वी यू ही सी इट एंड दे इनका नाम नहीं है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। तो बेसिकली नाउन को दो मेजर क्लासेस में बांटा गया है। पहला आपका जो नाउन है, आप बोल सकते हैं कि लिविंग नाउन। क्या बोलेंगे? लिविंग नाउन। और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं? नॉन लिविंग नाउन। क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? नॉन लिविंग नाउन। लेकिन नाउन को पांच भागों में बांटा गया है, नाउन को पांच भागों में बांटा गया है। तो आप देखिए नाउन, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि नाउन इज अ नेम। तो इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं, जिस भी नाउन का जन्म होता है तो कॉमन नाउन में जन्म होता है। कौन सा नाउन में जन्म होता है? कॉमन नाउन में जन्म होता है। तो मान लीजिए क्या है, एक हमारा क्या हो गया? गोट हो गया, जी ओ ए टी। गोट मीन्स क्या होता है? बकरी। तो गोट हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा मेरा? कॉमन नाउन। कैसे मैं प्रूव, कैसे हो सकता है कि कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन क्योंकि पूरी दुनिया में बकरी को बकरी ही नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया में बकरी को बकरी से नाम से ही जानते हैं, इसलिए हमारा कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। अगर मैंने इस बकरी को पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैंने क्या कर दिया कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नाउन, व्यक्तिकरण कर दिया, नामकरण कर दिया, इसलिए दुनिया की सारी चीज कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मान लीजिए एक बकरी यहाँ पे खुशी का आ गई, एक बकरी मान लीजिए खुशबू का आ गई, एक बकरी अंकुश का आ गई, एक बकरी मेरी आ गई, तो अफ्लाक का गोट हो गया, सारी बकरियां एक साथ झुंड में आ गए, तो कलेक्ट हो गया। तो कलेक्ट वर्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब मान लीजिए कि अंकुश की शादी पड़ गई, अब मान लीजिए मैंने इस बकरे को कटवा दिया, अब पीस ऑफ मटन कर दिया, तो मटन मेरा कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब मान लीजिए भाई अब बकरा हमारा कट गया जो है, तो अब तो बनेगा भी, अब भाई बराती लोग खाएंगे भी। मान लीजिए अब दुहरा वगैरह लग रहा है, अब बराती लोग नाचते झूमते अपना आ रहे हैं, अब भैया क्या करेंगे कि मैंने एक कराहा में क्या किया, इस मीट को मैंने डाल दिया, मीट को मैंने डाल दिया, अब मीट पक रहा है और उस मीट में से भाप या धुआं या सुगंध निकल रहा है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप कह सकते हैं कि अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की सारी चीज कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने क्या बताया कि पहले गोट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब मैंने इस गोट को पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सारी बकरी एक साथ झुंड में आ गई, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन।
अब मान लीजिए आपकी शादी पड़ गई, मैंने बकरियों को काट दिया, आपकी सब मटन हो गया, तो मटन कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब मैंने इस बकरे को क्या किया, मैंने पकने के लिए कराह में डाल दिया, और जो भाप सुगंध निकलेगा तो कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए ये अंगुली है, अब इसका भी नाम अंगुली, 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 एक कॉमन है, इसलिए साली अंगुली कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। सभी अंगुली कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इस अंगुली में से इसका नाम रख दिया थंब, अंगूठा रख दिया, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि सारे अंगुली नाम तो अंगूठा था नहीं, अंगुली नाम, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। अब क्या किया कि मैंने सारे अंगुली को, मैंने एक साथ अंगुली को इकट्ठा कर दिया, तो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब मेरा जो कि हाथ जो है कि सब मांस हड्डी उड्डी बना है सब, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन होगा। और मैंने क्या किया, आपको मार दिया तो आपने फील किया, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की सारी चीज, कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, मान लीजिए जैसे क्या है, ये डॉग है, डॉग है, डॉग, डॉग कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि पूरी दुनिया में कुत्ते को कुत्ते ही नाम से जानते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो? कॉमन नाउन। अब मैंने इस डॉग को पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे का नाम रख दिया जिमी या टाइगर या टॉमी नाम रख दिया, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा मैं प्रूफ करता हूँ कैसे प्रॉपर नाउन होगा। मान लीजिए आप छोटा सा पप्पी लेकर आइए, पिल्ला लेकर आइए, अब उसे तुम टॉमी टॉमी करके बुलाइए, अब आपका पिल्ला जो है कि कुत्ता बन गया, अब मान लीजिए कि रोड उस पार दूर कहीं खेल रहा है, आप कहेंगे कुत्ते इधर आओ, तो आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हुआ, जब आप कहेंगे टॉमी तो दौड़ के आ जाता है कि समझ गया कि नहीं मैं अब जो है कि प्रॉपर नाउन हूँ, मैं अब टॉमी हो गया हूँ, तो मेरा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब तीन चार कुत्ता एक साथ झुंड में आ गई तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। मान लीजिए कि चाइना वाले जो है कि सब कुछ कीड़े मकोड़े कुत्ता जानवर सब खा जाते हैं, तो मान लीजिए मैंने कुत्ते को क्या किया, कटवा दिया, छोटे छोटे टुकड़े मैंने क्या किया, काट दिया, बोलो कौन सा नाउन हो? मटेरियल नाउन। अब मैंने क्या किया, उस कुत्ते को मीट में मैंने कराहा में डाला, अब उसमें क्या हुआ, भाप निकला, अच्छा या बुरा जो भी निकला, कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की सारी चीज, कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।